राष्ट्रवादी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर सिंह ढोकरा का सैनिटाइजेशन कार्यक्रम बमसन और सुजानपुर की पंचायतों में 2 महीनों से जारी है और इसी क्रम में लोगों ने उन्हें ग्वाडू 7 नंबर वार्ड कंटेनमेंट जोन के पास खड़ी सांसद मोबाइल स्वास्थ्य वैन को सैनिटाइज करने को कहा। रविंदर सिंह ढोकरा ने मौके पर पहुंचकर हमीरपुर लोकसभा के सांसद अनुराग ठाकुर की वैन को सैनिटाइज कर दिया। विधायक और सांसद के इलाके को सैनिटाइज करने के सवाल पर ढोकरा ने कहा कि वह पहले ही दोनों जनप्रतिनिधियों के इलाके में सैनिटाइजेशन का काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि पूरा हिमाचल उनका है और जनप्रतिनिधि होने के नाते वह हर जगह काम करेंगे। सैनिटाइजेशन के काम के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सैनिटाइजेशन का काम या आपदा के समय में जो काम होता है वो एक सामाजिक भावना के तहत काम होता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई सांसद जैसा लोग कह रहे हैं या कोई विधायक या कोई जिला परिषद या कोई भी इस तरीके का जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उस बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत हो सैनिटाइजेशन की, बींग एज ए ह्यूमन, इंसानियत के नाते हम लोगों को वहाँ जाके ये सब काम करने चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से आपका बचाव ही आपको बचा सकता है। उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे।